किसी भी इंसान का इंटरेस्ट आपके अंदर कम हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। वो इंसान आप में ना बहुत इंटरेस्टेड था, बट अब वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ना कॉल करता है, ना मैसेज करता है, ना बात करता है, ना बात करती है, कुछ नहीं। बल्कि वो इंसान अब आपको इग्नोर करने लगा। इसका सिर्फ दो रीज़न है। पहला रीज़न, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी भी इंसान का इंटरेस्ट आपके अंदर कम हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। ये वीडियो ना कमाल के, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, किसी भी इंसान का, आपके पार्टनर का, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड या कोई और इंसान आप में पहले बहुत इंटरेस्टेड था, वो पहले आपके तरफ बहुत अट्रैक्टेड था, आकर्षित था, है ना। आपके बिना तो उसका दिन नहीं होता था, रात नहीं होता था। आपको कॉल किए बिना, आपसे बात किए बिना, आपसे चैट किए बिना, आपको वीडियो कॉल किए बिना, आपको देखे बिना वो इंसान झटपट आ जाता था। वो इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड था, बट अब वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ना कॉल करता है, ना मैसेज करता है, ना बात करता है, ना बात करती है, कुछ नहीं। बल्कि वो इंसान अब आपको इग्नोर करने लगा। इसका सिर्फ दो रीज़न है। पहला रीज़न कि आपके अंदर ना अब कुछ वैसी बात नहीं रही जिसकी वजह से ना सामने वाला इंसान पहले इन्फ्लुएंस था, अट्रैक्टेड था, इंटरेस्टेड था, वो नहीं बात है, समझ रहे हो। इसको ऐसे समझो, आप ना बहुत पहले हैंडसम थे, स्मार्ट थे, गुड लुकिंग थे, सामने वाला इंसान आपकी तरफ आया, है ना, अट्रैक्टेड हुआ, अब आप उतने अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपके अंदर कुछ कमी है, इस वजह से उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कम हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ करना चाहिए कि अपने ऊपर काम करना चाहिए, दबा के अपने ऊपर काम करो, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपने काम पे फोकस करो, अपने बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करो, अपने ड्रेसिंग सेंस पे फोकस करो, अपने बिहेवियर पे, व्यवहार पे फोकस करो, अपने अंदर ने एक अच्छा इंसान को डेवलप करो। मतलब जितनी भी गुड हैबिट्स है उसको अपने अंदर डेवलप करो, अपने हेल्थ पे फोकस करो। समझ में आया। सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, उसको सुनो। अगर वो कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें बता रहा है या बता रही है कि वो चीज़ गलत है आपके अंदर, उसको वो हर्ट करता है, तकलीफ देता है, उसको रिपीट मत करो, उसको चेंज करो। सामने वाला इंसान अगर आपको कुछ चेंज करने के लिए बोल रहा है अपने अंदर, जो आपके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से उसको हर्ट होता है, बुरा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो बिहेवियर है वो ना, वो बार बार दूसरों लोगों से बात करना, दूसरों से चैट करना, कॉल करना, मैसेज करना, अननोन लोगों से, नए लड़कियों से, नए लड़कों से, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर दो। इसकी वजह से भी इंटरेस्ट कम होता है, सामने वाले से चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा हो जाता है, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, फिर आपकी तरफ वो इंसान देखेगा ही नहीं। अपने आप को बेटर बनाओ, ठीक है, वो इंसान फिर आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो इंसान इसलिए अब आप में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया। देखो, कोई भी इंसान का इंटरेस्ट इसलिए भी कम होता है क्योंकि उसके लाइफ में ना कोई तीसरा इंसान आ गया, है ना। वो आप में नहीं इंटरेस्टेड है, अब कहीं और इंटरेस्टेड है। वो इंटरेस्टेड है बट कहीं और, वो इंटरेस्ट ले रहा है, ले रही है, बट किसी और के साथ, है ना, किसी और में वो इंटरेस्ट ले रहा है, किसी और में वो इंटरेस्ट ले रही है। उसको कोई नया इंसान मिल गया, है ना, जो आपसे अच्छा है, अब उधर वो अट्रैक्टेड है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप उस इंसान से खुद को अलग कर लो, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जब आपको दिख जाए, आपको लग जाए कि सामने वाला इंसान अब आप में नहीं इंटरेस्टेड है लेकिन कहीं और इंटरेस्टेड है, किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी और की तरफ वो अट्रैक्टेड है, वो आपसे बात नहीं करता है, आपसे बात नहीं करती है, कहीं और बात कर रहा है, वो कहीं और इंटरेस्टेड है, तो सिंपली आप उस इंसान से दूर हो जाओ, उससे अलग हो जाओ, उससे सारा रिश्ता नाता ख़त्म कर लो, यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि जब कोई भी इंसान कहीं तीसरे, कहीं दूसरे, कहीं बाहर किसी भी इंसान पे अगर वो अट्रैक्टेड है, इंटरेस्टेड है, वहाँ पे अगर आप उसको जितना रोकने का कोशिश करोगे,
कोई चांस नहीं है कि वो रुकेगा रुकेगी। जब कोई इंसान अपना माइंडसेट बना लिया कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, उसके पास जाना है, नए इंसान के पास जाना है, नए इंसान के साथ रहना है, वो बेस्ट है, वो अच्छा है, उसके साथ हमको मज़ा मिल रहा है, समझ रहे हो, वो आपको छोड़ेगा ही, आपको इग्नोर करेगा, आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, उधर इंटरेस्ट लेगा। वो कितना भी आप उसको रोक लो, कितना भी आप उसको बांध लो, वो छुप छुपा के उधर जाएगा ही जाएगा। इसलिए ऐसे इंसान को रोकना नहीं चाहिए। जब आपको साफ दिख जाए कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, उसको जाने दो, उसको आराम से फ्री कर दो, है ना, और आप रिलैक्स हो जाओ। बुरा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कर भी तो नहीं सकते, है ना, क्योंकि आपके कंट्रोल में थोड़ी है। अगर आपके कंट्रोल में होता तो आप बहुत कुछ कर चुके होते। यहीं पे आपको ये डिसीजन लेना होता है, आपको उस इंसान के लाइफ से हट जाना है, अलग हो जाना है। ये आप करोगे, आपका लाइफ बेटर रहेगा, आप बच जाओगे। उस इंसान का इंटरेस्ट जिधर है जाने दो, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते थे तो वो मैंने पहले पॉइंट में बताया, अगर उसका इंटरेस्ट इस वजह से कम हुआ होता कि आपके अंदर कुछ कमी है, आप उसको ठीक कर लेते, फिर आपके तरफ वो आ जाता, आपके साथ आ जाता, आपसे अच्छा से बात करने लगता, कॉल करने लगता, मैसेज करने लगता, सब कुछ अच्छा हो जाता। बट सामने वाला इंसान तो यार बदल गया ना, वो कहीं और जाना चाहता है ना, कहीं और जाना चाहती है ना, क्या उसको रोक लोगे? नहीं, कोई नहीं रोक पाया है। बड़े से बड़े लोग, है ना, बड़े से बड़े स्टार, सुपर स्टार, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, उनका पार्टनर लड़का लड़की जब उनको छोड़ के जाने लगा, वो हर संभव प्रयास किए, बट वो उसको नहीं रोक पाए। इसलिए याद रखना हमेशा मेरा बात, कि जाने वाले इंसान को कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में कोई ना आज तक रोका है, ना रोकेगा, भविष्य में भी कभी कोई नहीं रोक पाएगा, वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए हमने आपको सिंपली बोल दिया कि आप खुद को अलग कर लीजिए, आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितने आपके दोस्त यार फ्रेंड उनको वीडियो जरूर दिखाइए, ठीक है। और अगर आपके लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो मेरे चैनल पर हर एक टॉपिक का वीडियो अवेलेबल, जाओ और उसको देखो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर।